रायबरेली से कब कैंडिडेट अनाउंस होगा, रायबरेली से आपने भी अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया है, और प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के भी पूजा जी ने सवाल पूछा। सभी प्रश्नों का जवाब देता हूं, पूजा जी को भी नमस्कार और जो सुनने वाले हैं हमारे दर्शक लोग उनको भी मेरा नमस्कार। पहला तो चीज ये है कि वायनाड से राहुल गांधी जी इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वहां पे मुस्लिम संख्या ज्यादा है और उनको लगता है कि ये सेफ है, और यदि उनको ये कंफर्मेशन है कि वो वायनाड से जीत रहे हैं तो फिर दोबारा क्यों खड़े होने की बात है। आज के सभी न्यूज़पेपर में लगा है कि राहुल गांधी जी आज का नाम डिक्लेयर हो सकता है, कल वो लगा सकते हैं, कल नामांकन पत्र दे सकते हैं। यदि यही है और उनको कंफर्मेशन है कि वायनाड से जीत जाएंगे तो एक सीट को दोबारा चुनाव में क्यों खर्चा करना चाहते हैं, और उनका अभी पूजा जी ने कहा कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें कैसे करें। जो व्यक्ति अपनी एक टिकट को नहीं सोच पा रहा वो देश को कैसे चलाएगा, ये प्रश्न भी खड़ा होता है, चाहे वाइज मेरा प्रश्न है। दूसरी चीज केसरगंज, और वहाँ पे जैसा कैंडिडेट आएगा, भाई ये तो सीटें आपकी वो सीटें थी जिसमें कहा जाता था कि गांधी परिवार ने ये सीटों पर 70 सालों तक वहां से चुनाव लड़ा है, और उसकी गिरी हुई हालत आप पूजा जी कैसी बता रही हैं कि अमेठी इतना अच्छा हो गया, रायबरेली इतना अच्छा हो गया। अरे आप जाके देखिए किस तरीके से मंडियों के अंदर कीचड़ भरा हुआ है, कौन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हो जो हमको दिखाई नहीं देती है। आप कागजों पर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इतने प्लांट आपने जो अमेठी में लगा दिए हैं, आपने कागजों पे लगाए हैं तो आपको दिखते होंगे, हमको नहीं दिखता। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं और हमने देखा है कि वहां पर जो एक रायबरेली के अंदर एक आईटीआई है जनाब, शायद पूजा जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, आईटीआई की हालत यह है कि वो बद से बदतर हो गया। आज वहां पर उनको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट नहीं है। उनकी यहां की जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को कब वो गिर जाए ये नहीं मालूम है। तो ये है रायबरेली, तो और उस क्या काम है शुभेंदु जी, वही एक रायबरेली की सीट है, एक किला ऐसा कांग्रेस का जो 2019 में या 2014 में आप फतह नहीं कर पाए थे, तो इस बार कैंडिडेट आपने भी अभी तक नहीं दिया है। भाई हम तो देख तो ले, हम तो सोच रहे हैं कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट लिया है कि जो एक आध जगह बची थी पूरे भारत में जिसको हम फतेह नहीं कर पाए थे, और वो ले आएंगे। अब देखिएगा शाम तक, कल तक, मॉर्निंग तक, और ठीक है हमारा मतलब तो वेट एंड वॉच वाला है कि जब तक कांग्रेस नहीं देगा तब तक थोड़ा सा इंतजार करें। भाई हाँ, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, उनकी सीट है, वो जीतते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कितने कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेके वायनाड से, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपनी एक सीट से कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा है कि अब देखिए वायनाड में पर्टिकुलरली वायनाड का केस यदि आप देखें तो मेरे को लगता है कि वहां पे भी डाउट है। ये इंडिया गठबंधन वहां जाके फेल हो गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो इनके गठबंधन हैं बहुत सारे, हाँ। मैं तो खाली कहता हूं जब राहुल गांधी जी के कारण इंडिया खुद उनकी सीट पर इंडिया गठबंधन फेल है। कई बार हमको लगता है कि गठबंधन नहीं भी होता है, पर ऐसे बड़े लोगों की जो पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख लोग होते हैं तो उनकी जगह पर उनके विपक्ष में लोग नहीं खड़ा करते, चाहे गठबंधन हो या ना हो, गठबंधन होने के बावजूद भी उनके विपक्ष में लोगों ने खड़ा किया है। तो मेरे को लगता है, दुख है कि ऐसा गठबंधन जो राहुल गांधी जी की सीट में खुद उनको डर लगवा रहा है तो भारत में क्या होगा, ये सोचने का विषय है। ठीक है पूजा जी। जी अभिषेक जी, तो अब तो मुझे शुभेंदु जी की आवाज नहीं आई तो आपको दोहराना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, अब देखिए सवाल यही है कि आएगी भी नहीं, अभी थोड़ा सा अपना माइक सीख करिए। हम तो रायबरेली आपकी जीती हुई सीट है, रायबरेली आपकी सीट है, बीजेपी उसका वेट एंड वॉच है। बिल्कुल होता ही है कि जिस सीट पे जीता हुआ कैंडिडेट है पहले वो पार्टी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दे, जैसे बीजेपी ने पहली लिस्ट में अपने बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सबका